हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो अभी हम हैं वैकुंठ धाम माउंट आबू में, और अभी आपको दिखाएंगे गोल्डीवुड स्टूडियो, जहां पर ये जो भी ब्रह्मा कुमारीज के चैनल है, पीस ऑफ माइंड, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सब यहीं पर शूटिंग होती है, और उनकी एडिटिंग भी यहीं पर होती है गोल्डीवुड स्टूडियो के नाम से। ये देखिए दोस्तों, जो आप ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में ये जो भी चैनल है पीस ऑफ माइंड, यहीं पर इनकी रिकॉर्डिंग होती है। ये पीस ऑफ माइंड, ये देखिए, सब यहीं पर रिकॉर्डिंग होती है। दोस्तों अभी हम आए हैं तो ये गार्ड भाई बता रहा है कि अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि शूटिंग चली हुई है। तभी जाने की परमिशन मिली है, लेकिन जहाँ पर लाइव शूटिंग है वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं मिली। तो अभी जो भी है वो आप सभी को दिखाएं। तो दोस्तों इस स्टूडियो ए में वो चला हुआ है शूट, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का दिखाएंगे क्या है गोल्डीवुड स्टूडियो, उसमें शूट चला हुआ है इसलिए अंदर जाने की परमिशन नहीं है। देखिए दोस्तों, स्टूडियो के ऊपर से कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। सब में शूटिंग के टाइम आप लोग आए हो ना? हाँ। इतने नहीं देख सकते, यहाँ पे शूटिंग चल रहा है। यहाँ भी? हाँ। लाइव शूटिंग नहीं देख सकते? उन लोग को डिस्टर्ब हो रहा है ना। अच्छा, रेडियो मधुबन। ओम शांति चैनल है, यूट्यूब चैनल। अच्छा, यूट्यूब में सर्च करोगे ओम शांति निकल आएगा चैनल जो है, यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है सब इसमें दिखता है, ओम शांति चैनल। एडिटिंग सब यहीं होती है इसी बिल्डिंग में। ये यहाँ क्या है लाइन में? वो डिपार्टमेंट ही है, इंटरनेट डिपार्टमेंट ही है, मधुबन रेडियो डिपार्टमेंट है। अच्छा, रेडियो में चलता है इसमें। यहाँ पर 12 लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है। 12 लैंग्वेज का? 12 लैंग्वेज में यहाँ पर काम होता है। हर भाषा के डिपार्टमेंट है यहाँ? हर भाषा के। कितनी भाषा के? 12 भाषा के। 12। क्या रिकॉर्ड होता है यहाँ पर? होता है ऑडियो सॉन्ग मिक्सिंग, यहाँ पर वो होता है, उसमें मतलब कि मिक्सिंग होता है। अच्छा, उसमें वो कंपोजिंग होता है। अच्छा, और यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग होता है ऑडियो का। अरे माधव को भेजते तो भी दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये है ऑडियो स्टूडियो कन्फ्रेंसिंग सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे प्रीव्यू थिएटर। है प्रीव्यू स्टूडियो में, देखिए दोस्तों प्रीव्यू स्टूडियो यहीं पे। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए।